जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2024 का। अप्रॉक्स 300 डेज रह गए, 300 डेज आर रिमेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रिपरेशन पॉइंट बताऊंगा आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी को लेके। ये 10 पॉइंट इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपका इजिली प्रिपरेशन हो जाएगा एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक पॉइंट को देखेंगे और ये वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। ये बहुत रिसर्च करने के बाद हमने बनाया कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ओके, फॉर अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी। सो चलिए, ओके, एंड गाइस 2024 के लिए भी हमने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, ओके, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट विदितएजुकेशन.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड। 10 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पॉइंट्स। सबसे पहला है सिलेबस। यस, सिलेबस क्या है और आर्ट वर्क में ना, इसमें सिलेबस में एग्जाम का पेपर पैटर्न भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ना आपको वन आवर थर्टी मिनट्स, ओके, एंड अगेन वन आवर मिलता है। ये मेमोरी ड्राइंग, डिजाइन प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड जीके। सो ये चार सेक्शन का आपका पेपर पैटर्न होता है और आपको सारे आर्ट वर्क इसमें ही कंप्लीट करना है। तो आर्टवर्क का एग्जाम पेपर पैटर्न इज रियली इंपॉर्टेंट। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो भी आर्टवर्क आप डिजाइन कर रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो 1 आवर 30 मिनट्स में ही आपको रेडी करना है, चाहे वो मेमोरी ड्राइंग हो, डिजाइन प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो, जीके हो, सारी चीजें। ऑब्जेक्ट ड्राइंग को 1 आवर में, जीके को भी आपको 1 आवर के अंदर ही 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो एग्जाम पेपर पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। हमारे बैचेस में आपको पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस भी मिलने वाला है, ओके, सो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सो डू ज्वाइन अवर बैचेस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द कंपटीशन ऑफ द एग्जाम, ओके। 3500 से 4000 स्टूडेंट एग्जाम लिखते हैं फाइन आर्ट्स के लिए एंड 700 to 800 सीट्स है सारे कॉलेजेस में, एंटायर महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। सो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा गाइस। 200 में से ना 150 तो चाहिए आपको टू गेट इन टू जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ओके। सो दिस इज पॉइंट 4। सो कॉम्पिटिशन भी जानना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज, ओके, परफेक्ट माइंडसेट होना चाहिए आपको। डेली आपके आर्टवर्क पे इम्प्रूवमेंट लाना है एंड आपके पास डेली वर्क होना चाहिए फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। आपको आर्ट वर्क इम्प्रूव ही करना पड़ेगा तो ही आपको 150 मार्क्स मिलेगा, सो दैट यू कैन गेट इन टू जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ओके। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर दिस नो इंट्यूशन, ओके, तुक्का मटका आपको कुछ भी नहीं लगाना है, जीके के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ओके, एंड गो विथ प्योरली आर्ट। आपका आर्ट ही इम्प्रूव होना चाहिए। सो दिस इज 7 पॉइंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट दीजिए। हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट के सेपरेट सेशंस होंगे, मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा, मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुए हैं, क्या टाइमिंग का है, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे एंड स्पॉट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। मॉक टेस्ट से आपको ये सारी चीजें पता चल जाती है। नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टिल द एग्जामिनेशन। आपको बोर्ड भी देना पड़ेगा और आपको आर्टवर्क के लिए भी इम्प्रूवमेंट करना है एंड मॉक टेस्ट वगैरह सारी देना है। तो बहुत समय ऐसे होता है कि स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, ओके, कि कैसे होगा, बट कॉन्स्टेंट हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, सारी चीजें हम लोग बताते हैं। बहुत टाइम ऐसे होता है कि लगता है कि छोड़ दूँ, बट वही टाइम ऐसा रहता है कि आपको पॉजिटिव रह के आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। अगर आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करें तो कॉल कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।